मित्रों, मैं गोवा की भूमि में अभी घूम के आया हूँ। आज के समय में लोग गोवा को भोग भूमि मतलब एन्जॉय की भूमि समझ रहे हैं। खाना पीना मौज मस्ती के लिए जाना हो तो गोवा जाइए। लेकिन जो आज मैं बात करूँगा वो बात गोवा को अलग ढंग से स्पिरिचुअल वे में आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। इसमें गोवा सबसे पहले है। गोवा नाम कैसे है? गॉय, अपने गौ माता। एक पुराने समय में वहाँ यहाँ पर बहुत सारी गौ माताएँ थी, इसीलिए ये क्षेत्र गौ माता का क्षेत्र भी बोला जाता है। इसीलिए गोवा का गॉय पर से गोवा हुआ। दूसरा, अपने शास्त्र के हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया है, यह दक्षिण भारत की देवभूमि बोली जाती है और यहाँ भगवान परशुराम जी की भूमि भी बोलते हैं। और भगवान परशुराम वैसे ब्राह्मण थे, लेकिन जो भी क्षत्रिय जो भी बात आपने पढ़ी होगी समझी होगी वो हिसाब से ज़्यादा नहीं बताता हूँ। लेकिन यहाँ की जो भूमि है मिट्टी का रंग लाल है, मतलब ये क्षत्रिय की भूमि है और यहाँ मराठा भी ज़्यादा रहते हैं। और ये तपोभूमि तपोस्थली है और ज़मीन में पॉजिटिव पावर इतना है गोवा में। मैं नॉर्थ गोवा में मुरजी में ठहरा था तो आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य एवं वहाँ जो सत्पुरुष हो गए उनकी तपोस्थली के भी दर्शन किए और मोरजिम माई का भी मंदिर का दर्शन किया। ये सब मंदिरें पुराने के समय से हैं और अद्भुत है, अद्भुत। और यहाँ दूसरी के छोटा मंदिर होते उसके ऊपर ध्वजा नहीं होती है और गोवा के बाहर के लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये मंदिर है। शिवाग नीचे उतर के पूछे कि यहाँ मंदिर कौन सा है तो गांव वाले या कोई बोलेंगे कि ये मंदिर है। मंदिर में भगवान का शिव की या माता जी का शिव विग्रह भी बहुत ही छोटा होता है। लेकिन ये मैंने जो अनुभव किया जमीन का पावर वो भी एकदम पॉजिटिव है। यहाँ के लोकल लोगों से भी मिला। आर्थिक समृद्धि नहीं थी लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स जो बोले लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स शायद, और कहीं मैं गुजरात से हूँ तो पैसा है समृद्धि है किंतु हैप्पीनेस नहीं है। वहाँ मैंने सामान्य जन को भी हैप्पी पाया, संतोष ही पाया कि उनके अंदर संतोष का जो भाव है वो बहुत ही ऊँचे स्तर का है। यहाँ कई जगह मेरे को जाना था लेकिन कोई वजह से रह गया है, किंतु आज मैं गोवा का एक अलग रूप से आपके समक्ष रखना जा रहा हूँ कि गोवा कैसा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये थोड़ी बात मैंने आपसे साझा की है। मेरी बात से कितने सहमत है वो मेरे को मालूम नहीं है, किंतु ये जो मुझे लगा अनुभव किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अस्तु।